तो कोई फ्रॉड है तुम्हारे हाथ में होता है, काट लो जैसे तैसे पैसे काटने हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपको अपना वाइट कार्ड यानी कि कंस्ट्रक्शन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स की एक न्यू लाइन में एंट्री कर सकते हो। साथ ही साथ हम उन मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो मिस्टेक्स मैंने की, पर तो मत करना। Good morning everybody, this is Gaurav, welcome to my YouTube channel Alpha Gaurav, where you can do it better. Let's get started. हाँ, तो भी सबसे पहले मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं और जो सिंपल प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया था जो तुम्हें नहीं करना है, पर अगर तुम मेरे वाली मिस्टेक्स करना भी चाहो तो रोक ही कौन सकता है। तो भाई मिस्टेक कैसे करनी है मैं तुम्हें वो बता देता हूँ। सबसे पहले जाना है गूगल पे, सर्च करना है वाइट कार्ड WA, और जो पहली वेबसाइट आ रही है WA ऑफिशियल वाइट कार्ड ऑफिशियल कोर्स, इस पर टच करना है और सामने ये वेबसाइट आ जाएगी जिसके सबसे ऊपर लिखा होगा eot.edu.au, और ये तीन जैसे नाइकी के थोड़ा एरोज से हैं, तीन कलर के, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मतलब या फिर ये कह लो ट्रस्टी वेबसाइट है, जो भी है। थोड़ा सा नीचे जाओगे तुम्हें वहीं पे दिख जाएगा कि वाइट कार्ड WA ऑनलाइन, तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है इसलिए मुझे कह रहा है कि स्टार्ट कोर्स नाउ फॉर फ्री, बट इट्स नॉट फ्री। अदरवाइज जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे आगे ये आएगा, मेन पेज ये है एक। एक्चुअली इससे पहले भी ना, पहले तुम्हारे आते हैं 136 क्वेश्चंस, जिसमें 136 क्वेश्चन में इतने बकवास क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बकवास क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तुमसे, कहते हैं बताओ ये एक्ट कब लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था, किसने किया था। अरे हिस्ट्री से हमें क्या लेना देना यार। तो गाइस वो 136 क्वेश्चन करने में कम से कम ईजिली 3 से 4 घंटे तो ईजिली लगने ही लगने हैं। मेरे अबाउट 6 घंटे लगे थे, वो भी किस्तों में किया था मैंने, जब फर्स्ट टाइम करने लगा था तो मेरे ख्याल से 100+ हो गए थे, वो भी 4 घंटों में। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से 3 घंटे शायद और लगे थे। और ऑनलाइन अगर तुम 136 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, अगर वो तुम करते हो और अगर तुम्हारे बार बार गलत हो रहा है, जैसे तुमने एक क्वेश्चन गलत किया तुम्हें सेकेंड चांस मिलेगा, तुमने फिर से गलत किया फिर हमें थर्ड चांस मिलेगा, थर्ड टाइम गलत होने के बाद तुम्हें भाई 1 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा। तुम्हें 1 मिनट तक कोई भी क्वेश्चन आगे जवाब नहीं दे पाओगे, ना ही तुम ऐसे कर सकते हो कि भाई ठीक है 1 मिनट बाद आ जाऊंगा, स्क्रीन से दूर भी नहीं जा सकते हो, वो वहीं पे टाइमर रुक जाता है। और अगर तुमने फिर से क्वेश्चन गलत कर दिया 3 बार वही सेम क्वेश्चन, फिर वो 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट के लिए रुक जाता है। तो फिर सेम ऐसे ही होता है कि भाई तुमने आगे चल के फिर कोई क्वेश्चन गलत किया, तो फर्स्ट टाइम गलत किया कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम गलत किया कोई बात नहीं, थर्ड टाइम गलत कर दिया वो फिर से, तो वो फिर से 1.5 मिनट नहीं 2 मिनट के लिए रुक जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 3 चांस मिलते हैं, हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए नहीं मिलते, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कितने भी चांसेस आप कर सकते हो, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे हैं, उनके लिए आपको सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं। और अगर आपका एक गलत हो गया तो लास्ट टाइम जो आपका टाइमर एक क्वेश्चन पे अगर 1.5 मिनट पे था तो आपका नेक्स्ट टाइम 2 मिनट पे होगा, मतलब हर बार हाफ मिनट बढ़ती जाती है और स्क्रीन से तुम इधर उधर भी नहीं जा सकते वो टाइमर ख़त्म करने के लिए। तो चलो भाई जस्ट इमेजिन कि तुमने वो 136 क्वेश्चन फिनिश कर भी लिए, वो करने के बाद ये नहीं है कि चलो भाई प्रोसेस खत्म हो गया अब तुम्हें अपना वाइट कार्ड मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा LLN सेल्फ असेसमेंट, जिसमें मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन आते हैं जिससे तुमसे मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही उनमें, करीबन आधा घंटा। फिर उसके बाद आता है भाई वीडियो टेस्ट, सिमुलेटेड वर्क प्लेस असेसमेंट। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हार्ड हैट खरीद के लाओ, ग्लासेस खरीद के लाओ, शूज़ खरीद के लाओ, एक्चुअली शूज़ नहीं बोलते पर हाँ टी शर्ट खरीद के लाओ या शर्ट खरीद के लाओ, और साथ में ईयर प्रोटेक्शन भी मंगाते हैं। तो भाई ये सब लाने के बाद तुम्हें वीडियो में प्रॉपर करके दिखाना पड़ता है, पहन के दिखाना पड़ता है कि हाँ मैंने ये टी शर्ट ऐसे ली हुई है, मैंने हेलमेट ऐसा लिया हुआ है और ये इसे ऐसे पहनना है, फिर ग्लासेस पहन के दिखाने पड़ते हैं, मतलब वही फॉर्मेलिटीज़ वगैरह, काफ़ी मतलब परेशानी वाला काम है, काफ़ी इरिटेट हो जाता बंदा जब 136 क्वेश्चन करके LLN टेस्ट, फिर तुम्हारा ये वीडियो टेस्ट, पता नहीं क्या क्या टेस्ट। फिर वो वीडियो टेस्ट होने के बाद तुम्हारा सिंपली एक होता है स्किल्स असेसमेंट, जो होती है ऑडियो एंड वीडियो, तुम्हारा ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है, तुम्हारी वीडियो भी रिकॉर्ड होती है। उसमें तुम्हें सिनेरियो दे देते हैं कि भाई हाँ ये सिनेरियो है या फिर ये और ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आंसर दो। हालांकि जब तुम 136 क्वेश्चंस करोगे ना, देखो उनका कुछ ऐसे आता है, ऊपर 4 ऑप्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेज, कोर्स नोट्स एंड क्वेश्चंस। तो इंस्ट्रक्शन तो बकवास है, वो छोड़ो कुछ नहीं है, रिसोर्सेज भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। फिर पहले क्वेश्चन पे चले जाओ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
फिर तुम्हें कोर्स नोट्स होते हैं कि भी हाँ हमने यहाँ से उठाया ये क्वेश्चन और तुम यहाँ से देखो और हमें बताओ कि भी क्वेश्चन का क्या आंसर है। इसमें से ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है यार। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा ये मत करना यहाँ से, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे क्या कुछ करना है। खैर अपना आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हारा होता है फिर ऑडियो एंड वीडियो टेस्ट, जैसे कि तुम देख पा रहे हो इसमें लिखा है स्किल्स असेसमेंट ऑडियो / वीडियो, जिसमें होते हैं तीन पार्ट। फर्स्ट टू पार्ट में तीन तीन क्वेश्चन होते हैं और फिर थर्ड पार्ट में फोर क्वेश्चन होते हैं। तो भाई उनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजिंग हैं जिनका काफ़ी सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। फिर वो कंप्लीट होने के बाद भाई इन सब को, जितने भी तुमने टेस्ट दिए हैं ऑडियो एंड वीडियो LLN 136 क्वेश्चन, इन सब को अप्रूव होने में, मतलब उनके पास जाएंगे पहले, ये ऑनलाइन सबमिट होंगे, तो ये सब कुछ होने में लग जाते हैं 3 से 4 दिन, और वो तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और अगर तुम एक दो दिन में करवाने तो भाई एक्स्ट्रा पे करो, मतलब हद है यार इनकी, मतलब बस काट लो जैसे तैसे पैसे काटने हैं। तो भाई ऑडियो एंड वीडियो असेसमेंट होने के बाद देखो ये नेक्स्ट ऑप्शन है लाइव ऑडियो असेसमेंट। अब लाइव ऑडियो में क्या होता है, मेरे ख्याल से उनके पास ना फ़ोन जाता है और सबसे पहले तो ना लाइव ऑडियो की डेट लेनी पड़ती है यहीं से, इसी साइट से। जैसे तुम रिज्यूम करोगे ना या फिर स्टार्ट करोगे तो उसमें तुम्हें डेट दिखाएगा कि यहाँ भी कौन सी डेट लेनी है, और वो डेट तुम तभी ले सकते हो जब तुम्हारे पहले के क्वेश्चंस पास हो गए हो, अप्रूव हो गए हो, जिसमें कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। और अगर एक छोटा सा भी क्वेश्चन गलत हो गया, एक भी मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से वो फेल भी कर सकते हैं और सारा का सारा दोबारा भी करना पड़ सकता है। फिर लाइव ऑडियो टेस्ट होगा। लाइव ऑडियो टेस्ट में मुझे नहीं पता कौन से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं, पर हाँ काफ़ी बेसिक्स पूछते होंगे, वो क्यों वो मैं आगे बताऊँगा। तो भाई लाइव ऑडियो टेस्ट की फिर तुम्हें डेट लेनी पड़ती है, एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जिसमें तुम्हें वो फ़ोन करेंगे, मतलब मेरे ख्याल से वेबसाइट से ही फ़ोन आएगा या फिर डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे फ़ोन आएगा। फिर वो कंप्लीट करने के बाद, उस टेस्ट में पास होने के बाद तुम्हें अपना वाइट कार्ड मिल जाएगा। हाँ तो गाइस यही सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन तो बिल्कुल भी मत करना, बहुत सिर खपाई वाला काम, बहुत ज़्यादा। इसका ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ ना, ईजी से ईजी, कुछ नहीं करना है, मिनटों में मिले, सॉरी मिनटों में तो नहीं, कुछ घंटों में मिल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा ईजी है। आओ बटाटा, आओ 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 आओ। हाँ तो गाइस देखो, वैसे तो बहुत सारे सेंटर्स हैं या कोचिंग सेंटर या जो भी होते हैं, बहुत सारे हैं जहाँ से तुम अपना वाइट कार्ड बनवा सकते हो, लेकिन मैंने जहाँ से बनवाया था मैं उनकी बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने करवाया था लाइसेंस फॉर वर्क से, तो तुम्हें सिंपली गूगल पे जाना है, ऊपर लिखना है लाइसेंस फॉर वर्क। इनकी वेबसाइट ओपन करने के बाद तुम्हारे सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे, जिसमें फोर्थ ही ऑप्शन है वाइट कार्ड, उस पर क्लिक कर दो, बुक वाइट कार्ड कोर्स। थोड़ा सा नीचे आ गए तो देखो ये तुम्हारे आगे ये आ रहा है बुक नाओ का ऑप्शन, कभी येलो आ रहा है, कभी ग्रीन आ रहा है, फिर येलो, फिर ग्रीन। हालांकि देखने में कोई चाइनीज सी लगती है ना, कोई यहाँ भी ऐसा लगेगा कोई फ्रॉड है, पर ठीक है ये ऐसे ही है इनका मेरे ख्याल से। इस पर टच करते ही ये तुम्हें नीचे फेंक देगा, थोड़ा सा नीचे और जाके ये है बुक नाओ एंड व्यू डेट्स, और फिर यहाँ से तुम कोई भी डेट चूज़ कर सकते हो। ऊपर देखो मलागा, कैनविक, जेंदाकोट, जोन से भी ब्रांच में तुम जाना चाहो, जोन से भी तुम्हारे घर के सबसे ज़्यादा पास हो, या फिर जोन से भी तुम्हें जल्दी से जल्दी डेट मिल रही हो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना चूज़ कर सकते हो। अब जैसे अगर मैंने मलागा में देखा और ये पहले ही देख लेता है 7 February, इस पर टच करना है बुक नाओ पर, और फिर करना है एड टू कार्ट। एड टू कार्ट करके तुम्हें सिंपल यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है, नीचे तुम्हारा नेम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फ़ोन नंबर, और फिर बिलिंग एड्रेस सेम एज अबव, फिर नीचे चल के फिर तुम्हें करना है पे विद वीज़ा एंड मास्टर कार्ड एंड कंफर्म परचेज। फिर ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ तुम्हें कैसे चूज़ करना है, पर मैंने जो वहाँ पर टेस्ट की डेट ली हुई है अपने कंस्ट्रक्शन कार्ड के लिए, वो मैंने ली हुई है 3 February की। एक्चुअली मेरा ऑनलाइन का कोर्स भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है मेरा, मेरी सिर्फ ऑनलाइन में रहती है लाइव ऑडियो टेस्ट, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पे भी पैसे भर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, फिर यहाँ पे ही भर रहा हूँ, मैंने इतना टाइम भी खपाया वहाँ पे ऑनलाइन पे। बाकी आज वहाँ चलते हैं लाइसेंस फॉर वर्क मलागा में, और देखते हैं कि वहाँ पे कितना टाइम लगता है, क्या कुछ लगता है। हालांकि ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, शूज़ वगैरह वाइट कार्ड के, मतलब अप्लाई करने के लिए, जब तुम जॉब पे जाओ जब तुम खरीद सकते हो बाद में, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। पर मैंने ऑनलाइन टेस्ट दे रहा था तब खरीदने पड़े थे, पर तुम मत खरीदना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मतलब भैया आगे हम यहाँ पर जैसे अपना लाइसेंस बनवा रहा हूँ वाइट कार्ड, ये है लाइसेंस फॉर वर्क जैसे मैंने तुझे बताया था, वो देखो लिखे हुए हैं कितने की भी, कितने टाइप के लाइसेंस बनाते हैं, ये सामने फोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं। बाकी शायद अंदर जो भी टेस्ट वगैरह क्लासेस वगैरह होंगे शायद रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, बाकी देखते हैं। चलो क्लास के बाद बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का। अब मेरी 11:30 क्लास है, मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गया, अभी सुबह 11 बजे हैं, तो अभी यहाँ पे किचन वेट कर रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह बना लो जो कुछ भी कर लो। बाकी ये देखो किचन के साथ में यहाँ पे ना उसकी प्रैक्टिस चल रही है, मतलब उसके लाइसेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोर्थ लिफ्ट के लाइसेंस की। अब मेरा भी है कल को, तो मेरे को भी यहीं पे आना पड़ेगा।
अदरवाइज मैं अंदर जाके रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया काफी कुछ, मतलब पूरी क्लास रिकॉर्ड वगैरह करना ये सब उन्होंने परमिशन नहीं दी। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि टेस्ट वगैरह कैसा था। जो 136 क्वेश्चन आते हैं ऑनलाइन करते हो तुम, वो उनके लिए सिर्फ ये एक वीडियो दिखाते हैं कि हाँ ठीक है तुमने ये वीडियो देख लिया तुम्हें, हाँ भी ठीक है पता लग गया हर चीज़ का भाई क्या 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 कुछ होती है। ये उसका कोई टेस्ट नहीं लेते, बस तुम्हें वहाँ पे बैठ के देखना है, तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर तुम्हें कुछ पेपर्स देते हैं, उन पे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब बेफालतू का क्वेश्चन एक भी नहीं होता, हिस्ट्री वगैरह का ये सब मतलब गंद क्वेश्चन कुछ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं और उसका आंसर भी बताते हैं तुम्हें, सच में आंसर भी बताते हैं कि हाँ ये आंसर है अगर तुम समझ पाओ तो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी होता, बहुत ज़्यादा ईजी। फिर लास्ट में वन बाय वन सबका टेस्ट लेते हैं, वन बाय वन टेस्ट लेते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तुम क्लास में वन बाय वन जाते हो, तुम्हारा ट्रेनर बैठा होता है, तुमसे पूछने की भी मतलब कुछ साइंस होते हैं जैसे नो एंट्री, नो स्मोकिंग, और फिर उसमें होते हैं कि भी अब ब्लू कलर का क्या मतलब होता है, जैसे ब्लू कलर का मैंडेटरी होता है, और रेड का कि भी नॉट टू डू समथिंग, नो एंट्री और वगैरह वगैरह, मतलब यार कोई बच्चा भी बता देगा उन क्वेश्चन को, इतने ईजी होते हैं वो। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होते हैं ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे दिमागी हालत तो ठीक है ना। अभी वो सब करने के बाद हमारा वाइट कार्ड बन गया, ये रहा हमारा ट्रेनर। बाकी तुम्हें थोड़ी हंसी तो आ ही रही होगी देख के, है ना। हलो जी, फाइनली मेरा ये बन गया वाइट कार्ड, मैं नीचे से दिखा सकता हूँ उसमें कुछ डिटेल्स हैं, पर ये रहा, ये कार्ड देख लो, नीचे मेरा नंबर लिखा है इसलिए छुपा रखा है मैंने, ऐसा होता कार्ड वाइट कार्ड इनका यहाँ का। अदरवाइज ये था प्रोसेस वाइट कार्ड बनवाने का। मेक श्योर ऑनलाइन मत जाना, बहुत गंदी चीज़ है, तुम इरिटेट हो जाओगे पक्का मेरी तरह। किसी भी सेंटर मतलब किसी भी जो कोचिंग वगैरह या जो भी कहते हैं यार ये मुझे नहीं पता, उनसे बनवा लेना, बहुत ज़्यादा इजी होता है। जहाँ ऑनलाइन टेस्ट में तुम्हारे 5 से 6 घंटे लगेंगे, फिर तुम्हें 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा लाइव ऑडियो टेस्ट की, तुम्हें बुकिंग लेनी पड़ेगी, फिर मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ये मान लो 2-3 दिन ख़राब हो जाते हैं ऑनलाइन करने में। और अगर तुम कहीं जाके करवाते हो, जैसे मैंने जाके करवाया है लाइसेंस फॉर वर्क से मलागा, तो भाई वहाँ पे तुम्हारा आधा दिन भी नहीं लगे, वहाँ पे तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी जैसे 11:30 बजे और तुम फ्री कर दिए जाओगे 4:30 बजे, तो ये हो गए 5 घंटे। सिर्फ 5 घंटों में वाइट कार्ड तुम्हारे हाथ में होता है, एंड यू कैन जस्ट सिंपली स्टार्ट वर्किंग स्ट्रेट अवे। ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, अबे जाओ ना।